अभी रेनकोट पहन के। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सुबह के 7:45 हो गए हैं और आज कई दिनों बाद मैं 7 बजे से पहले उठा हूँ। नहीं तो डेली 7:45 ऐसी टाइमिंग हो रखी थी, तो आज टाइम से उठ लिया मैं। एक तो काम भी कर लिए हैं और अब थोड़ी सी एक्सरसाइज भी करूँगा। काफ़ी दिन हो गए हैं एक्सरसाइज किए भी और मौसम फिलहाल अब तक तो शांत है, थोड़ी बहुत फुहार से आ रही है। एंड आई होप कि कंपनी जाऊँ उस टाइम भी ऐसा ही कुछ साफ मौसम मिल जाए तो मैं ठीक टाइम से और अच्छे तरीके से पहुँच जाऊँ बिना रेनकोट पहने, बिना जोकर बने। फिलहाल अभी मानसी जी बना रही हैं कढ़ी, कढ़ी पकौड़ा या सिंपल कढ़ी। फिलहाल अभी कर लेते हैं हम थोड़ी सी एक्सरसाइज, फिर करते हैं तैयारी ऑफिशियल ने की। तो फिलहाल मैं टाइम से रेडी हो गया हूँ और अब करते हैं गरम गरम ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट हो गया है और वो अलग ही खुशी होती है जब सारे काम भी हो जाएं और जब सही टाइम से भी निकलूं। नहीं तो एक ना एक चीज़ है ना मिस हो ही जाती है। टाइम से निकलते हैं तो कई काम रह जाते हैं, कई काम करते हैं तो फिर टाइम से नहीं निकल पाते। लेकिन आज सारे काम हो गए और टाइम से भी निकल रहा हूँ। एंड वन मोर गुड थिंग कि बारिश भी नहीं आ रही है, आ तो रही है लेकिन ये मेरे को भिगाएगी नहीं, तो निकलते हैं फटाफट। बारिश तो बहुत कम है लेकिन हवा बहुत ही ज़्यादा तेज चल रही है, जीने की राह बुक भी मेरी कंप्लीट हो गई है। तो अभी सीधा जाएंगे ऑफिस में करेंगे काम। साढ़े 12 हो गए, लंच टाइम हो गया है, सब लोग जा चुके हैं मैच में लंच करने के लिए, मैं भी बस जा रहा हूँ। प्रतीक का भी कल से यहीं पे लंच आ जाएगा क्योंकि बारिश होती है तो बारिश में मैच तक जाना बहुत ही मुश्किल काम होता है, कई जगह पे पानी भी भरा होता है, तो इसलिए इसने लंच लगवा ही लिया है, तो रेगुलर अब इसका यहीं पे लंच आया करेगा। आज संडे है तो इतना वर्कलोड नहीं है, बाहर से इतनी ऑर्डर्स या इंक्वायरी नहीं आई है। आज सब लोग थोड़ा सा रिलैक्स होकर काम करेंगे और ये ऑफिस वर्क में ही थोड़ा सा वर्कलोड कम होता है संडे को। प्रोडक्शन लाइन में तो काम एज इट इज़ चलता है और अब तो 2 शिफ्ट में काम चल रहा है प्रोडक्शन लाइन में, एक मॉर्निंग में 9 से 9, फिर एक इवनिंग वाली शिफ्ट होती है या रात वाली शिफ्ट कह लो उसको 9 से 9। फिलहाल ऐसा कुछ चल रहा है कंपनी में। और अगर पुणे के मौसम में से बारिश को थोड़ा सा कम कर दें तो आई थिंक इससे बेटर मौसम कहीं पे भी नहीं होगा। इतना बेटर मौसम है ना, सर्दियाँ आती ना गर्मियाँ आती हैं, बारिश की वजह से थोड़ी सी मुश्किलें थोड़ी सी बढ़ जाती हैं, रोड में पानी हो जाता है, खड्डे हो जाते हैं और बाइक थोड़ी सी स्लिप करती है, थोड़ा सा ध्यान से चलाना पड़ता है, कपड़े भीग जाते हैं, जूते ख़राब हो जाते हैं, तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं बारिश की वजह से, कपड़े नहीं सूखते। और आज है मुसलमानों का एक त्यौहार ईद अल अदा। आई थिंक लाइक एवरी फेस्टिवल ऑफ मुस्लिम्स, इस त्यौहार पे भी बहुत सारे बकरे बकरियों को काटा जाएगा। ये मांस खाने का और बकरे की बलि चढ़ाने की रिवाज कहाँ से और कैसे स्टार्ट हुई थी, उसके लिए आप संत रामपाल जी महाराज के सत्संग जरूर सुने, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ पे जाके ध्यान से सुने कि सारी चीज़ कैसे स्टार्ट हुई थी। स्टोरी कुछ ऐसी थी कि जो हजरत मोहम्मद जी थे उनको कबीर साहब मिले थे, तो मोहम्मद जी ने एक गाय को शब्द से मारा था, ऐसे तलवार से नहीं काटा था, और फिर वो उसको जीवित करवाने के लिए प्रयास कर रहे थे तो उनसे वो पॉसिबल नहीं हो पाया था। फिर उन्होंने जो कबीर साहब उनको पहले जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे उनको याद किया कि आप मेरी इज्जत रखो नहीं तो सब लोगों का भगवान के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा। कबीर साहब वहाँ पे आए, गुप्त रूप से उस गाय को जीवित किया ताकि लोगों का भगवान में विश्वास बना रहे। तो ऐसी ये कुछ स्टोरी है, तो आप संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में ध्यान से सुने, आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा, जो बाद में लोगों ने अपने जीव के स्वाद के लिए इनको काटना स्टार्ट कर दिया भगवान के नाम पे। इसका प्रारूप बिल्कुल ही बदल चुका है, जो आज के दिन इतने सारे जीवों की हत्या होती है, पाप बढ़ता है धरती पे, तो इन चीज़ों को आई थिंक अवॉइड करना चाहिए। हम किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं हैं, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि वो कम्युनिटी सिर्फ अपने धर्म ग्रंथों को ध्यान से पढ़े समझे, उसकी कही हुई बातों पर ही चले। जैसे कि कुरान शरीफ में गुरुजी बताते हैं कि वाह खबर संत को ढूंढने के लिए कहा है, कुरान शरीफ में क्लियर है सूरह फुरकान 25 आयत नंबर 52-57 में। आप सत्संग में सुनेंगे तो आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। अभी बारिश रुकी हुई है, बस फटाफट घर पहुंचना है बिना भीगे और बिना रेनकोट पहने। फिलहाल अभी केमार्ट में आया हूं मैं, 2-3 चीज़ें के लिए नहीं है और एक सबसे ज़रूरी है मानसी के लिए रेनकोट लेना है, बाकी 1-2 चीज़ें तो एक्स्ट्रा हो ही जाती हैं।
मार्ट कस्टमर से बिल्कुल पैक था। और अभी बारिश भी आ गई है तो थोड़ा बहुत तो भीगना पड़ेगा। आज बारिश ने ये हाल कर दिया। कंपनी से बिल्कुल सूखा सूखा चला था, इवन के मार्ट से भी सूखा था मैं, लेकिन रास्ते में गली में थोड़ा सा जाम मिल गया और बारिश और तेज बैग भी गिला हो गया सारा। तो फिलहाल सारे कपड़े हो गए खराब और बारिश के पानी से ना अध पका सा काम हो गया, लेकिन मैं अब अच्छे से नहा लेता हूँ। एक बार पैंट आपके साइज की है, अभी रेन कोट पहन के फोटो थोड़ी ना उतरवानी है, जैसा आ गया पहन लेना बस। अरे मैं अपनी बना रहा हूँ। फिलहाल अभी नहा धो के बिल्कुल फ्रेश हो गया हूँ मैं, और अब ठंड के मौसम में पियेंगे ठंडी कॉफ़ी, यानी कोल्ड कॉफ़ी। इस सिपर में बन जाएगी कोल्ड कॉफ़ी। तो अभी जा रहा हूँ मैं नीचे से पानी लेने के लिए, कुहाफी करवा के लाऊंगा, क्योंकि फुल में थोड़ा सा ज़्यादा वेट हो जाता है और पैर मेरा इतना वेट अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो इसलिए हाफ हाफ करके ला रहा हूँ। प्रणव भाई की शॉप पे पानी लेने और उसके बाद फिर करेंगे डिनर। अभी करेंगे सिंपल सा डिनर, और डिनर में है मिस्सी रोटी विद शक्कर। तो फिलहाल सिंपल खाना पीना हो गया है और अब रेस्ट करेंगे। और आज के दिन में काफ़ी काम किए मैंने, थोड़े लर्निंग से रिलेटेड थे कंपनी में, काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिली उन चीज़ों को सीख के और करके। आई होप मैं कंटिन्यू और रेगुलर उन चीज़ों को करूँगा। फिलहाल आज के ब्लॉग को एंड करता हूँ। अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।